अब ये पानी को आगे फ्लो नहीं मिलने की वजह से ये पानी वाटर टैंक के अंदर भी कनेक्ट हो रहा है, जिसमें गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने प्रशासन को, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, सबको इसके बारे में रिपोर्ट दी है। उन्होंने आके बोला है कि इसको हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया, लेकिन सैंक्शन होगा पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी तो हम लोग इसको पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लंबे समय से नारकीय जीवन जी रहे मीणा कॉलोनी प्रेमनगर नई बस्ती के लोग, इलाके के महिला पुरुष व बच्चे दूषित पानी की वजह से आए बीमारी की चपेट में। वार्ड नंबर 28 गली नंबर 33 प्रेमनगर नई बस्ती रामगंज में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से नारकीय जीवन जी रहे क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध आज टूटा और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले 20 साल से कॉलोनी के लोग इसी तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गंदे पानी की निकासी नहीं होने और आज तक सड़कों का निर्माण नहीं होने से लोग खासे परेशान हैं। चार पार्षद अपना कार्यकाल पूरा कर चुके, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारी सुध नहीं ली। वोट लेने के वक्त सभी पक्का वादा करके जाते हैं और उसके बाद एक बार भी इलाके में नहीं आते, जबकि उन्हें कई बार कहा गया कि इस समस्या का हल करा दिया जाए। नगर निगम को भी लिखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वर्तमान पार्षद गीता जांगिड़ के प्रतिनिधि ने आकर मुआयना किया है, लेकिन अभी तक उसने भी कोई काम शुरू नहीं कराया। ऐसे में क्षेत्र के लोग इस दूषित जल भराव की वजह से गंदा पेयजल पीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पानी के टैंक इसी गंदे पानी के आसपास बने हुए हैं, जिसमें रिसाव होकर यह पानी जा रहा है, क्योंकि इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में आगे एक मकान बना दिया गया है, जिसने इस पानी को आगे जाने से रोक दिया है। इस वजह से अब तो जीना ही मुश्किल हो चुका है। क्षेत्रीय लोगों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए मीडिया से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस कार्य को कराने में उनका सहयोग करें। सर, एक समस्या आ रही है यहाँ पर, यहाँ पीछे से जो गली के अंदर से 10-15 घर हैं, उनका सबका पानी इधर से इस नाली से ढलान की तरफ आ रहा है। ये भाई साहब, पीछे 10 घरों का पानी ढलान के ऊपर इस साइड से, आज से नहीं 15-20-25 साल से पानी इधर से आ रहा है। आगे मकान तैयार हुआ, इसका मलबा यहाँ गिरने से पानी की निकासी सारी बंद हो गई, उसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। आने वाले घरों के अंदर सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग सारे बीमार पड़े हुए हैं। अगर उसके लिए प्रशासन को भी बोला, जिसके अंदर नगर निगम के SI श्री कैलाश मुंडेल साहब आए, उन्होंने नगर निगम के 3-4 कर्मचारियों को लाके पानी की निकासी चालू करी, मगर यहाँ के निवासियों ने, ये जो सरवन सिंह है और उसके पुत्र ने, उसको निकासी को बंद करवा दिया, जिससे पानी अभी तक अवरुद्ध पड़ा हुआ है। यहाँ पर गंदगी से बीमारियाँ फैल रही हैं। कई बार करी है भैया, आज भी करी थी, लेकिन उनका ये रेस्पॉन्स रहता है कि भैया आज आ रहे हैं, जमादार को भेज रहे हैं, लेकिन जो जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इससे छोटे बच्चों को बहुत नुकसान है, बहुत हानि हो रही है। अच्छा। और सभी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको परेशानी हो रही है। अब इसका क्या क्या करें, आप बताएं इसका। अच्छा, चुनाव में क्या वादे कर रहे थे कि नाली बनवाएंगे? चुनाव में कर रहे थे नाली बनवाएंगे, आपकी जो भी परेशानी है वो सब खत्म करेंगे। आज तक कोई हल निकला नहीं इसका। यहाँ पर सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। पड़ोसी के मकान में सीवरेज का पानी जा रहा है, जो पानी से वो नहाते हैं वही पानी वो पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या मानते हो ऐसे में कोरोना महामारी बीमारी फैल रही है? निश्चित रूप से फैल रही है। काफ़ी वर्षों से ये खाली प्लाट है, इसमें 10 घरों का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसमें कि सीवर का पानी भी कनेक्टेड है। अब ये पानी को आगे फ्लो नहीं मिलने की वजह से ये पानी वाटर टैंक के अंदर भी कनेक्ट हो रहा है, जिसमें गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने प्रशासन को, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, सबको इसके बारे में रिपोर्ट दी है। उन्होंने आके बोला है कि इसको हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया, लेकिन सैंक्शन होगा पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी तो हम लोग इसको पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने प्रशासन से बोला है कि हमें इसे कोई अस्थायी निकासी का निवारण करके दें या कोई समाधान करके दें, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासी इस चीज़ को भी नहीं मानने को तैयार हैं कि इसका पानी का कहाँ निकास हो। तो हमें तो यही गुजारिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके इस पानी को निकाला जाए। कौन कौन से सड़कें मिलती हैं यहाँ से? गली नंबर 33 की सड़क मिल रही है, मीणा कॉलोनी की जॉइंट सड़क मिल रही है, पीछे बस्ती की सड़क मिल रही है। कब से होता है ये समस्या? ये करीबन 10 से 15 वर्ष हो गए इस बात को।
फिर अब तक कोई कितने पार्षद आ गए क्या? करीबन 4 पार्षद आके चले गए हैं, फिर अभी तक कोई समाधान नहीं। ये कौन सी जगह? ये मीणा कॉलोनी गोविंद नगर गली नंबर 33।